इस वक्त आलमी सतह पर मौजूद बहस एक मसला बना हुआ है, और ये मसला आज का नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं कि 1967 से फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का एक सिलसिला शुरू हो गया था, और आज जब ऐसा मालूम हो रहा है कि वो इंतहा को पहुंच चुका है। फलस्तीन एक आज़ाद मुल्क है, और वहाँ रहने वाले बिलखसूस मुसलमानों पर इसराइल की जाहिलियत और उसका बढ़ता हुआ जुल्म आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा ने जिन रेजोल्यूशन को पास किया है और करता रहा, उसकी खिलाफवर्जी करते हुए इसराइल ने फलस्तीनियों पर बर्बरियत और जुल्म इस्तेहसाल का जो सिलसिला शुरू किया, आज हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर काफ़ी भारी नुकसान फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हुआ। ये सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों का मसला नहीं है, क्योंकि मस्जिद अक्सा वहाँ मौजूद है, यतवल अव्वल है, वहाँ जो जुल्म होगा न सिर्फ ये फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हम समझते हैं, बल्कि आलमी सतह पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म तसव्वुर हम करते हैं। इस वक्त फलस्तीन में और बैतुल मक़दिस में रमज़ान के अवाखिर से इसराइली फ़ौज की वहाँ दखलंदाजी और फायरिंग, और वहाँ मासूम नमाजियों पर फायरिंग करके उनको जो ज़ख्मी किया गया, और वहाँ करीब के एक मुस्लिम मोहल्ले शेख जर्राह से फ़लस्तीनियों के इनखला की जो कार्रवाई शुरू हुई है, उसके नतीजे में इस वक्त ये एक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गज़ा पट्टी पर इसराइल की तरफ से बहीमाना और वहशियाना मजालिम किए जा रहे हैं, और एक ऐसी अवाम पर जिसके पास अपने दिफा का कोई रास्ता नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई ज़रिया नहीं है, और उनको एक ओपन प्रिजन की तरह, एक ओपन जेल की तरह वहाँ महसूर रखा गया है, उन पर शदीद मजालिम इस वक्त किए जा रहे हैं। हम इसकी पूरी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं और अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। बात इस वक्त शेख जर्राह और फिर वहाँ जो मजालिम हुए मस्जिद अक्सा, इससे शुरू हुई है, मगर ये मसला बहुत पुराना है, और 1948 में इसराइल को जो वहाँ वजूद बख्शा गया एक नाजायज़ विलादत के शक्ल में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ यहूदियों की आबादी 5% से भी कम थी, मनसूबाबंद तरीक़े से वहाँ सारी दुनिया से यहूदियों को लाकर बसाया गया, और यह आबादी बढ़ते बढ़ते 1948 में 33% हो जाती है, और आज इसराइल की मुसलसिल जारहाना पॉलिसी और फ़लस्तीनियों को उनके मकानों से, उनके ज़मीनों से बेदखल करना और मुसलसिल वहाँ सेटलमेंट्स को फ़रोग देना, जीविश कॉलोनीज़ को बसाना और वहाँ से फ़लस्तीनियों को रेफ्यूजी के तौर पर दूसरे ममालिक में दरबदर करना, ये सब चीज़ों के नतीजे में आज इसी फ़लस्तीन में जहाँ यहूदियों की आबादी 1917 से पहले 5% से कम थी, आज 75% वो हो गई है, और 85% लैंड को वो आज ऑक्यूपाई किए हुए। ज़रूरत इस बात की है कि इस 73 साल से जारी इस जुल्म और इस्तेहसाल और एक्सपेंशनिज्म को महसूस किया जाए, और इस जुल्म को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ। अगरचे कि इस सिलसिले में UNO में बात आती रही है और कई एक रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, मगर धड़ल्ले से इसकी खिलाफ़ वर्जी और पूरे बेशर्मी के साथ इसराइल अपने टेररिज्म की पॉलिसी पर बराबर काम करता जा रहा है, और फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। इस देरी ना जुल्म को रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए, और इस सिलसिले में तमाम आलमी इदारे, UNO, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, और तमाम ममालिक इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर इस जुल्म को शदीद अल्फाज में कंडेम भी करना चाहिए, और इसको रोकने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए इकदाम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसराइल के मस्जिद अक्सा के सिलसिले में जो अजाइम हैं, वहाँ इस मस्जिद को
मुनहदिम करके सोलोमन टेंपल को बनाने की उनकी जो देरीना मंसूबा है, और इसके बाद ग्रेटर इसराइल के नाम से वहाँ वो जो करीब के मुस्लिम ममालिक हैं हिजाज और मदीने को शामिल करते हुए इराक़ और सीरिया और लेबनान और इजिप्ट के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने का जो इरादा रखते हैं और जिसका इश्तहार उन्होंने अपने अपनी पार्लियामेंट में कर रखा है, खतरा इस बात का है कि इन इकदाम के नतीजे में वो अपने इस मंसूबे पर आगे बढ़ेंगे। और ये महज एक फ़लस्तीन का कौमी मसला नहीं है, अरब और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये तमाम दुनिया के मुसलमानों का एक मसला है और एक ऐसा इशू है जिस पर सब मुसलमान अपने क़िबला अव्वल की हैसियत से मस्जिद अक्सा और फिर इस जारहाना जुल्म जो एक अरसे दराज से जारी है उसके रोकथाम के लिए कोशिश करना चाहिए। हम शदीद अल्फाज में इसराइल की इस जारहियत की मजम्मत करते हैं, निहत्ते और मासूम फलस्तीनी बच्चे और औरतों पर जिस तरह बमबारी हो रही है उसको फौरन ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं और फलस्तीन के इस मसले के लिए ठोस इकदाम बैन अल-अक़वामी सतह पर किए जाएँ इसका हम मुतालबा करते हैं। खुशी की बात है कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव तिरुमूर्ति इंडिया के, उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है और इस जारहियत और बरबरीत की मजम्मत की है, मगर इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हुए इसराइल पर दबाव डालने और फ़लस्तीनियों के सिलसिले में उनके हकूक़ के बाज़ियाबी के लिए ठोस इकदाम करने की और अपने असरात को इस्तेमाल करने की हम हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस मसले को हल के सिलसिले में संजीदा कोशिशें हर तरफ से की जाएँ। इस पर एहतजाज हमारी अपनी रियासत में भी मौजूदा हालात में कोविड सिचुएशन में जो मुमकिन है एहतजाज करने का मंसूबा आपके सामने रखा गया है। एक टोकन एहतजाज अपने घरों में रहते हुए प्लेकार्ड्स को पकड़कर और इस इसराइल के जुल्म बर्बरियत के सिलसिले में अपने आप को अपने बच्चों को उससे वाकिफ़ कराते हुए इस सिलसिले में हम उनके हक में अपना तआवुन और फिर अपनी हमदर्दी और अपनी दुआओं का ऐलान भी करते हैं कि 1947 में यहूदियों को जब पूरी दुनिया ने पनाह देने से मना कर दिया था और किसी ने भी अपने मुल्क में उनको जगह नहीं दी तो फिलिस्तीनियों ने उनके ऊपर एहसान किया, उन्हें अपनी ज़मीन दी और उन्हें रहने और बसने का मौका फराहम किया। लेकिन धीरे धीरे उस वक्त से ऐसा हुआ कि जो बातिल ताकतें हैं वो इसराइलियों को मजबूत करती गईं और फिलिस्तीन को कमज़ोर करती गईं और आज नतीजा जो है वो हमारे सामने है। ये आज का नया मसला नहीं है, तकरीबन 70 सालों से ये प्लानिंग चल रही है और एक प्लान के तहत फिलिस्तीनियों को दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है और इसराइलियों को दिन ब दिन मजबूत किया जा रहा है। जुल्म के ये मामले आज से नहीं बल्कि बरसों से चले आ रहे हैं और दुनिया का कोई भी इंसान ख़ाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो इस बात को महसूस कर रहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर नाजायज़ तौर पर जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आवाज़ उठाई जा रही है, क्या मुस्लिम ममालिक क्या गैर मुस्लिम ममालिक हर जगह से इसराइलियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन सिर्फ इस तरीके से आवाज़ बुलंद कर लेना एहतजाज दर्ज करा देना मेरे अपने ख्याल से ये मुनासिब नहीं और ये काफ़ी नहीं है, इस सिलसिले में ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। मुख्तलिफ ममालिक के ऐवानों में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और उसके लिए दस्तूर बनाने की कोशिश की गई और उसके लिए आवाज़ उठाई गई, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक जिनको वो पावर हासिल है वो इसराइल के ऊपर कानूनी शिकंजा कसें और उसको मजबूर करें कि वो अपने दायरे में रहे। आप सब हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से लेकर खिलाफत के खातिमे तक फ़लस्तीन में कोई यहूदी को बसाना ममनू था। उस वक्त एग्रीमेंट किया गया था जिसमें ईसाई पेश थे, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ यहूदी आकर इबादत कर सकते हैं लेकिन उन्हें यहाँ बसाया ना जाए।
लेकिन खिलाफत के खात्मे के बाद 1917 में गालिबन जब बालफोर डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बाद एक साजिश के तहत वहाँ पर उनको ज़मीनें ख़रीदने की इजाज़त दी गई और आहिस्ता आहिस्ता वो बसते गए और 1948 में मुकम्मल तौर पर उन्हें वहाँ बसाया गया। और आज सूरत हाल यह है कि जब से 1948 से लेकर आज तक वो अपने नापाक इरादों को जो लेकर आए थे उन मंसूबों को अमली जमाना पहनाने के लिए वो हर रोज़ नित नए फितने खड़ा करते हैं। यह ऐसा है कि मैं किसी के घर में चला जाऊं, जाकर वहां बस जाऊं और घर वालों से यह कहूं कि आप बाहर जाइए। यह इतना बड़ा जुल्म और बर्बरियत जो इस वक्त देखने में आ रही है शायद ही इसकी मिसाल कहीं और हो। और ये सिर्फ मुसलमानों का तो मसला है ही, ये इसलिए कि हमारे मजहबी जज्बात से जुड़े हुए हैं, क़िबला अव्वल है, फ़िलिस्तीनियों का मसला है और साथ ही साथ इंसानी हकूक़ की पामाली जिस पैमाने पर वहाँ हो रही है और जो जुल्म ख़वातीन और बच्चों पर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उससे इंसानियत शर्मसार होनी चाहिए। और 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं पिछले 6-7 दिनों में और उनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है और बच्चों की है। तकरीबन 100 के करीब बच्चे इसमें शहीद हुए हैं और कमोबीश 50 से ज़्यादा ख़वातीन शहीद हुए हैं और 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और दुनिया है कि एक तमाशाई बनी हुई है, बस अपने मजम्मत के तौर पर स्टेटमेंट्स जारी हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं पा रही है। और यह निहत्ते लोग करेंगे भी क्या? देखिए, गज़ा में इस वक्त वो अपने ही बस्ती में एक तरह से मासूर हैं, गज़ा को सीज किया गया है, वो बाहर निकल नहीं सकते। उन पर ये अब से नहीं, ये साला साल से आफत चली आ रही है। लेकिन दुनिया को तो छोड़िए, मुस्लिम ममालिक का क्या हाल है? अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ममालिक, चाहे वो उर्दन हो या मिस्र, मैं अगर नाम लेकर कहूँ तो सऊदी अरब हो या UAE, ये क्या कर रहे हैं? वो ये समझते हैं कि वो इसराइलियों का साथ देकर, दरपर्दा साथ देकर वो बचकर रहेंगे, अपनी बाजू शायद कायम रहेगी, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, इसमें से कोई भी नहीं बचेगा। अगर आज जो सूरत हाल है उसको बदला नहीं गया और इसका नोटिस नहीं लिया गया तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आने वाला ख़तरा है जिसका चैलेंज दरपेश है, इसको जहन में रखना चाहिए। What's happening in Palestine is nothing but an act of barbarism. Atrocities are being committed against the innocent people of Palestine. And more than an act of barbarism, what I would feel is it's an act of terrorism. Bombing an innocent village, bombing an innocent town, what else can it be called? Terrorizing innocent people, terrorizing children. They are doing nothing but they are doing a show of strength and there are other countries, the like-minded ones who are supporting them in these acts of terrorism. So everybody who is responsible for these acts are nothing but involved in the acts of terrorism. Bombing a media center, what would you call it? Bombing a health center, what would you call it? Taking an innocent life, it is nothing but an act of terrorism. We, the Muslim organizations of Bangalore, have come forward to strongly condemn this. We call upon the United Nations Human Rights Council and International Court of Justice to take notice of this. Palestine se puri duniya ke musalmanon ka imani rishta qayam hai, jis tareeqe par Makkah Mukarrama aur Madina Munawwara se मुसलमानों का ईमानी रिश्ता कायम है, ठीक उसी तरीक़े पर फ़लस्तीन से, बैतुल मक़दिस से मुसलमानों का ईमानी रिश्ता कायम है। लिहाजा फ़लस्तीन पर और बिलखुसूस बैतुल मक़दिस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो इससे पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन होता है और अपनी बेचैनी के इजहार के लिए अपनी अपनी जगहों से कानूनी दायरे में रहकर एहतजाज दर्ज करवाता है। इस वक्त भी पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन है। फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है और उस रियासत में इसराइल के जुल्म व बर्बरियत को पूरी दुनिया जानती है और अपनी झूठी जबानों से कहती भी है, चाहे वो अक्वामे मुत्तहिदा हो, चाहे वो इंसानी हकूक की कमीशनें हो या दूसरे इंसाफ पसंद लोग हो,
अपनी झूठी जबानों से ये तो कहते हैं कि हाँ ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये वहशियत है, लेकिन अमली तौर से कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जबानी जमा खर्च करना बंद कर दें। ये 1947 से देखा जा रहा है। फलस्तीन पर इसराइल का नाजायज कब्जा, वहां जबरदस्ती उसको ला करके बिठाया गया है और बराबर वो जुल्म करता चला जा रहा है। तो अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक से गुजारिश है कि वो फलस्तीन के लिए खड़े हों और जबानी जमा खर्च करना बंद करें, अमलन कुछ इकदाम करें, आगे आए। वहाँ के निहत्ते मासूम बच्चे, शीरखार बच्चे, ख्वातीन, निहत्ते मजलूम इबादत करने वाले मुसलमानों पर बमबारी और मिसाइल और पता नहीं क्या क्या जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। लिहाजा इस्लामी ममालिक आगे आए, सारी दुनिया के ममालिक इंसानियत की बुनियाद पर उनको खड़े होना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं भारत में, शुरू से इसकी खारिजा पॉलिसी वो फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ रही है, अब भी उसी पॉलिसी पर अमल किया गया है, बयान ज़रूर दिया गया है, लेकिन उसमें मजबूती लाने की ज़रूरत है। और यहाँ बसने वाले मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए, उनके ईमानी रिश्ते की कदर करते हुए, यहाँ के मुल्क को भी सिफारती सतह पर ठोस इकदाम करने चाहिए। रही बात ये है कि हम अपनी बिसात के मुताबिक ये जो है कल बरोज़े जुमेरात यौम दुआ यौम एहतजाज मनाने की अपील मुसलमानों से कर रहे हैं कि वो कल जैसे ऐलान में आएगा कि वो दुआओं का एहतमाम करें और इसराइल के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड्स लेकर के अपने अपने मकानात की छतों पर गलियों में खड़े होकर के अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। 5 नुकाती प्रोग्राम हम दे रहे हैं उनको। एक तो ये है कि वो एहतजाज करें, घर के ख्वातीन बच्चे मर्द जो भी हैं वो प्ले कार्ड्स का मैटर उनको हम फराम कर रहे हैं, वो अपने हाथों से लिख करके प्ले कार्ड लेकर के वो ठहरे रहेंगे, एक आधा घंटा ठहरेंगे और उसकी तस्वीर लेकर के कुछ लोगों को वो शेयर करेंगे। दूसरी बात हमने ये तय किया है कि कुरान मजीद में यहूदियों के जरायम का जिक्र है, तो हमने अपील ये की है कि वो अपने घर में अपने ख़ानदान में बैठ करके उन जरायम का तस्करा करें कि यहूदियों का जरायम का जिक्र जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में किया है। एक तीसरी बात यह है कि ये मसले फ़लस्तीन क्या है और इसराइल क्या है और फिर उसके बाद वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है उसके सिलसिले में कई उलमाए कराम ने बाज़ाब्ता किताबों को मुरत्तब किया है, उसकी निशानदेही हम कर रहे हैं ताकि वो हमारे अपने घर में ख़वातीन और बच्चों को और मर्दों को भी तारीख के सिलसिले में वाकिफियत उन्हें होनी चाहिए। एक और हमने काम किया है कि बच्चों के ज़रिए से फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करने की हमने अपील की है, और फिर उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र हमने किया है कि मोहल्ले ने हर बच्चे की तरफ से कम 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये वो जमा करें अपने बच्चों से, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब बच्चे को वो इनायत करें, और ताकि जो है वो इसके ज़रिए से भी हमारे अपने बच्चों के अंदर फ़लस्तीन का मसला जो है वो उभर करके सामने आ सके। तो इस तरह के और कुछ प्रोग्राम हैं जो दिन भर के लिए करेंगे।